अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मेटलर्जी ही कंटिन्यू है और इसमें जो हमारा टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है यूरिया इंडस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने यूरिया का इंट्रोडक्शन, उसके रॉ मटेरियल्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम यूरिया का बेसिक, यूरिया फॉर्मेशन या यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यूरिया की फ्लोशीट डायग्राम और उसके साथ साथ हम जो है यूजेस ऑफ यूरिया उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम प्रिंसिपल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया जो है इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का बेसिक प्रिंसिपल जो है उसको डिस्कस करते हैं। अब यूरिया के लिए हमें दो रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, एक हमें इसमें अमोनिया चाहिए थी, सेकेंड हमें इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी। अब लिक्विड अमोनिया हमें लिक्विड अमोनिया चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अब यहाँ पे होता क्या है, लिक्विड अमोनिया का लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इस दौरान में जो कंडीशंस को मेंटेन किया जाता है वो हाई टेम्परेचर जो रेंज है वो 130 से 150 डिग्री सेल्सियस रेंज को मेंटेन किया जाता है और प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट 35 एटमोसफेयर तक जो है इसको मेंटेन किया जाता है। मीन्स इन कंडीशंस को मेंटेन करते हुए लिक्विड अमोनिया को रिएक्ट करवाया जाता है लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड से। तो ये रिएक्शन जो अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है ये टू स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिक्विड अमोनिया लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और उसके नतीजे में अमोनियम कार्बामेट बनता है, और सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अमोनियम कार्बामेट जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास यूरिया प्रोड्यूस होता है। तो यूरिया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो मेनली प्रिंसिपल में उसको हम डिस्कस करें तो टू स्टेप रिएक्शंस होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है और इसमें जो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का हम रिएक्शन करवा रहे होते हैं वो उसके हम रेशियो निकाल लें तो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशियो निकलती है वो 2:1 है। मीन्स 2 moles ऑफ अमोनिया एंड 1 mole ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं और वो हमें अमोनियम कार्बामेट जो है वो प्रोड्यूस करके देते हैं। सेकंड स्टेप जो होता है वो अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन के नतीजे में अमोनियम कार्बामेट यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट जो है वो एक स्टील टावर में करवाई जाती है और उसके नतीजे में जो है जितना इसमें लिक्विड होता है, जितना इसमें वाटर या मॉइस्चर कंटेंट होते हैं अमोनियम कार्बामेट के अंदर, वो इसमें से रिमूव आउट हो जाते हैं और हमारे पास जो है यूरिया वो प्रोड्यूस होता है। अगर हम इसको रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें फर्स्ट स्टेप को, तो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स आपको दिखाए गए हैं, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब अमोनिया जो है वो 2 moles यूज होगी कार्बन डाइऑक्साइड के 1 mole के साथ के रिएक्ट करेगी और उसके नतीजे में हमारे पास 1 mole ऑफ अमोनियम कार्बामेट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सेकेंड रिएक्शन स्टेप में आ जाएँ तो यही अमोनियम कार्बामेट जो प्रोड्यूस हो रहा है इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। मीन्स इसमें से डिहाइड्रेशन के नतीजे में हम इसमें से मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट्स जो है वो रिमूव कर देते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास यूरिया प्रोड्यूस होता है। CONH2 twice उसका फॉर्मूला है और साथ में जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट्स हैं वो रिमूव आउट हो रहे हैं। तो बेसिकली लिक्विड अमोनिया लिक्विड कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रिएक्ट करती है तो फर्स्ट स्टेप में वो अमोनियम कार्बामेट बनाती है और सेकेंड स्टेप में उसी अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन करवाई जाती है और उसके नतीजे में हमारे पास जो यूरिया है वो प्रोड्यूस होता है। तो ये ओवरऑल इसका एक बेसिक जो प्रिंसिपल है वो है। अब स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ यूरिया फर्दर फोर स्टेप्स में ये कम्प्लीट होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें जो रॉ मटेरियल्स यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए थे उनकी प्रेपरेशन कैसे होगी, उनको हम किस तरह से ऑब्टेन करेंगे। तो फर्स्ट प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया को देखेंगे क्योंकि एक हमें लिक्विड अमोनिया चाहिए, सेकंड हमें लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो सेकंड जो स्टेप है वो प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। मींस पहले हमें ये रॉ मटेरियल्स को तैयार करना पड़ेगा, इसके बाद हम यूरिया की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। थर्ड स्टेप में क्या होता है, यही लिक्विड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है और फोर्थ स्टेप में कंसनट्रेटेड यूरिया प्रोड्यूस होता है
और फिर उस कंसनट्रेटेड यूरिया की जो है वो प्रीलिंग करवाई जाती है, मीन्स उसको प्रिल फॉर्म में लाया जाता है, पैलेट फॉर्म में लाया जाता है। आपने यूरिया का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हम यूरिया को हमने देखा था वो पैलेट्स की फॉर्म में होता है, तो प्रीलिंग फॉर्म में लाने के लिए लास्ट फेज की प्रीलिंग करवाई जाती है। नाउ डिस्कस द फर्स्ट स्टेप, प्रेपरेशन ऑफ अमोनिया। अब अमोनिया को किस तरह से तैयार किया जाता है, तो आपको पता है कि अमोनिया को तैयार करने के लिए हम हैबर प्रोसेस जो है उसको यूज़ करते हैं। अब अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैबर प्रोसेस, और इसकी अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पता है अमोनिया NH3 है, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें दो गैसेस चाहिए होंगी, दो रॉ मटेरियल चाहिए होंगे। एक हमें नाइट्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें जो है इसमें हाइड्रोजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हैबर प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस इन विच अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड। यहाँ पे हमें दो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, एक हमें नाइट्रोजन गैस चाहिए होगी, सेकंड हमें हाइड्रोजन गैस चाहिए होगी, थर्ड यहाँ पे हमें कैटलिस्ट चाहिए होगा। अब हैबर प्रोसेस में अमोनिया की प्रेपरेशन के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर हम आयरन को यूज़ करते हैं, तो आपको कैटलिस्ट आयरन चाहिए होगा। इसके बाद हमें अपने रिएक्शंस को करवाने के लिए कुछ कंडीशंस को मेंटेन करना पड़ता है, तो कंडीशंस में हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर को हमने पहले भी डिस्कस किया कि 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक हम इसका टेम्परेचर रखते हैं। इसके बाद जो प्रेशर है इसको 200 से 250 एटमॉस्फेरिक तक रखा जाता है। तो कमर्शियल अमोनिया जो है उसको हम ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके तैयार करते हैं। तो हैबर प्रोसेस में बेसिकली हमें दो रॉ मटेरियल्स चाहिए होंगे और एक कैटलिस्ट चाहिए होगा। रॉ मटेरियल्स में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें चाहिए होंगे, कैटलिस्ट हम आयरन की प्रेजेंस में करवाएंगे इस रिएक्शन को, और कंडीशंस हम टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करेंगे। तो इस विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन हमारे पास जो है वो अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। हैबर प्रोसेस की बात करें तो हैबर प्रोसेस में हमें दो बेसिक रॉ मटेरियल नाइट्रोजन और हाइड्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो रेशियो निकलती है वो 1:3 है, मीन्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स की 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, और उसके नतीजे में हम आयरन कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं, हाई टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस तक ऑलमोस्ट, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम मेंटेन करते हैं। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और उसके नतीजे में हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स व्हेन 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम हैबर प्रोसेस कहते हैं, और हैबर प्रोसेस इज स्पेसिफिक फॉर प्रोडक्शन ऑफ या फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आती है, हाइड्रोजन बेसिकली ऑब्टेन फ्रॉम वाटर गैस। अब वाटर गैस क्या है, बेसिकली जब कार्बन का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इन दो गैसेस का मिक्सचर प्रोड्यूस होता है। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है इस मिक्सचर को हम वाटर गैस कहते हैं। मींस ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है इसको हम यूज़ करते हैं फॉर यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, ये मिक्सचर जो प्रोड्यूस हो रहा है इस मिक्सचर में से हाइड्रोजन को हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन जो है इसको हम ज़्यादातर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर जो है वहाँ से ऑब्टेन करते हैं। एयर में आपको पता है नाइट्रोजन 78% तक होती है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर से हम नाइट्रोजन जो है वो ऑब्टेन करते हैं। अब यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट हाइड्रोजन चाहिए थी, नाइट्रोजन चाहिए थी, तो रेसिडुअल कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है और मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन इन द रेशियो ऑफ 1:3 जो है वो लिया जाता है, आयरन कैटलिस्ट को लिया जाता है, और कंडीशंस को मेंटेन करते हुए मीन्स टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करते हुए जो है अमोनिया की प्रोडक्शन की जाती है। तो स्टीम इज एडेड टू द मिक्सचर एंड अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड। तो ये जो अमोनिया प्रोड्यूस्ड होती है इस अमोनिया को फर्दर हम यूज करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेकेंड स्टेप पे, विच इज द प्रेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यूरिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो सेकंड रॉ मटेरियल की हमें रिक्वायरमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। अब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसके दो डिफरेंट सोर्सेज हैं। फर्स्ट तो ये है कि नेचुरल गैस से जो कार्बन ऑब्टेन होती है उस कार्बन को कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये नेचुरल गैस से जो कार्बन ऑब्टेन हो रही है इसको कार्बन डाइऑक्साइड में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये कार्बन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। मीन्स जब ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब
कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ये डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। जितना हम टेम्परेचर को राइज करते हैं उतनी ही कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन जो है वो बढ़ जाती है। मीन्स टेम्परेचर को इंक्रीज करने से कार्बन की कार्बन डाइऑक्साइड में जो कन्वर्जन है वो इंक्रीज कर जाती है। तो कन्वर्जन रेशियो जो है वो इंक्रीजेज विद टेम्परेचर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का सेकंड जो सोर्स है वो ये है कि इसको हम बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कि लाइमस्टोन की कैल्शियम कार्बोनेट की जब हम डिकम्पोजिशन करवाते हैं, लाइमस्टोन का आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं, जब कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन करवाई जाती है मीन्स जब इसको हीट किया जाता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू इट्स कंपोनेंट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन हो जाती है और उसके नतीजे में कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है इसको फर्दर हम यूटिलाइज करते हैं या इसको फर्दर हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है विच इज़ द रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली यहाँ पे यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और ये स्टेप जो है ये जो रिएक्शन है कि थर्ड स्टेप जो है कि टू पार्ट्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो होता है इसमें अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है और उसके नतीजे में अमोनियम कार्बामेट बनता है। अब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया जो है वो 2 मोल्स होंगे अमोनिया के जो रिएक्ट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल होता है। तो अमोनिया 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस अमोनियम कार्बामेट। अब ये अमोनियम कार्बामेट एक इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट जो है सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट होता है यूरिया में। तो सेकेंड स्टेप जो है इसमें बेसिकली अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन करवाई जाती है और इसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में। अब डिहाइड्रेशन के नतीजे में क्या होता है, अमोनियम कार्बामेट में जितना मॉइस्चर कंटेंट होता है या जितना वाटर होता है वो इसमें से रिमूव आउट हो जाता है और उसके नतीजे में हमारे पास लिक्विड यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अमोनियम कार्बामेट जो है वो एक स्टील टावर में करवाई जाती है और उसके नतीजे में जो इसमें से जितना मॉइस्चर कंटेंट है वो रिमूव आउट हो जाएगा और लिक्विड यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब फर्स्ट स्टेप का जो रिएक्शन है इसमें आपको 2 रिएक्टेंट्स नज़र आ रहे हैं, अमोनिया 2 मोल्स इसके यूज़ होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल यूज़ होगा। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्रोड्यूसेस अमोनियम कार्बामेट विच इज़ इंटरमीडिएट। अब ये अमोनियम कार्बामेट जो है इसी की डिहाइड्रेशन करवाई जाती है, इसको हीट किया जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है, अमोनियम कार्बामेट जो है वो डिकम्पोज हो जाता है इनटू यूरिया एंड वाटर। मीन्स इसमें से वाटर जो है वो रिमूव आउट हो जाता है तो बाद जो इसमें मेन प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होती है वो लिक्विड यूरिया है, एक्वस यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें लिक्विड अमोनिया का लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, ये स्टेप फास्ट स्टेप है और एक्सोथर्मिक है, मेन हीट रिलीज होगी इस स्टेप में और ये कम्प्लीटनेस की तरफ जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे। सेकंड स्टेप जो है इसको हम स्लो स्टेप कंसिडर करते हैं और ये एंडोथर्मिक है, इसमें हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है और ये कम्प्लीटनेस की तरफ मतलब कम्प्लीशन इसमें नहीं हो पाती है। अब जब कम्प्लीशन नहीं हो पाती है तो यहाँ पे मीन्स प्रोडक्ट तो बनती है, रिवर्सिबल आपको साइन नज़र आता है तो प्रोडक्ट तो बनती है लेकिन कुछ अनरिएक्टेड मिक्सचर भी होता है। तो मैन्युफैक्चर्ड यूरिया जो है उसमें अनरिएक्टेड अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम कार्बामेट जो है वो मौजूद होते हैं। अब अमोनियम कार्बामेट का जब हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, जो अमोनियम कार्बामेट है उसको हम रिमूव आउट कर देते हैं। मीन्स इस रिएक्शन का जब हम प्रेशर रिड्यूस करते हैं तो अमोनियम कार्बामेट जो है उसको रिमूव आउट कर दिया जाता है ताकि हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो यूरिया है वो ऑब्टेन हो सके। जब हम सेकेंड स्टेप में अमोनियम कार्बामेट को हीट कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो हमारे मिक्सचर में से सेपरेट आउट हो जाते हैं और जस्ट हमारा जो मिक्सचर है वो हमें एक्वस यूरिया और वाटर कंटेंट्स जो है वो देता है। अब मेन एडवांटेज इस प्रोसेस का क्या है कि जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ हो रही है उसको हम रिसाइकल भी कर सकते हैं कि इसको हम अगेन एंड अगेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो जाता है। जब भी हम इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं तो हम कोई भी प्रोडक्ट जो बना रहे होते हैं जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम ज़्यादातर उसको यही देखते हैं कि वो हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो उसके रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे इसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस वजह से ये कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव मैथड होते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है, इसका एक बेनिफिट है।
नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है विच इज़ द लास्ट स्टेप, कंसनट्रेशन एंड पीलिंग। यहाँ पे हमारे पास यूरिया जो है कंप्लीट मैन्युफैक्चर हो जाता है और ये इस इंडस्ट्री का लास्ट स्टेप कंसिडर होता है। अब ये स्टेप भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, फर्स्ट कंसनट्रेशन है, सेकेंड पीलिंग है। अब कंसनट्रेशन में क्या होता है, हमने पीछे भी बात की कि जो हमारे पास अमोनियम कार्बोनेट की जब हम डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास एक्वस यूरिया प्रोड्यूस होता है, जबकि हमें जो यूरिया हम यूरिया फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं। तो यूरिया फर्टिलाइज़र आपको शुरू में फर्स्ट लेक्चर में दिखाया गया था कि ये पैलेट्स की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्टेन होता है यूरिया, ये एक्वस फॉर्म में है, तो हमें इसको पैलेट्स की फॉर्म में प्रीलिंग फॉर्म में लाना होता है। तो पहले क्या किया जाता है, इस एक्वस यूरिया में से वाटर को रिमूव आउट किया जाता है। तो जो यूरिया हमारे पास हासिल होता है वो मॉइस्चर कंटेंट उसमें होते हैं, तो उसके मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें इसके मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है, उस प्रोसेस को हम उसकी कंसनट्रेशन कहते हैं। और उस कंसनट्रेशन प्रोसेस के नतीजे में जो हमारे पास यूरिया ऑप्टेन होता है वो तकरीबन 99.6% मोल्टन यूरिया है। अभी भी ये कंसनट्रेटेड यूरिया है, वाटर कंटेंट्स इसमें से रिमूव आउट हुए हैं, लेकिन टोटली ये अभी क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं आता। अब ये कंसनट्रेशन को फर्दर क्या किया जाता है, एवेपोरेटर, इस कंसनट्रेटेड यूरिया को फर्दर एवेपोरेटर में से पास आउट किया जाता है। एवेपोरेटर आपको पता है मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव आउट करता है, तो यहाँ पे जितना इसने अभी मोल्टन यूरिया के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है उसको ये रिमूव आउट कर देगा। एंड पे जो हमारे पास यूरिया ऑब्टेन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आएगा। तो यहाँ पे जब हम कंसनट्रेशन स्टेप में बेसिकली क्या किया जाता है कि जो हमारे पास एक्वस यूरिया आया था, एक्वस यूरिया ऑप्टेन होता है उसमें से मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है। तो पहले उसकी कंसनट्रेशन की जाती है, मैक्सिमम वाटर कंटेंट्स को रिमूव किया जाता है, इसके बाद भी इसमें जो वाटर कंटेंट्स बच जाते हैं उसको एवेपोरेटर के जरिए से रिमूव आउट किया जाता है। और एट दी एंड क्रिस्टल्स की फॉर्म में हमारे पास जो यूरिया है वो ऑप्टेन होता है। अब ये जो क्रिस्टल्स की फॉर्म में यूरिया आया है, ये यूरिया भी एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ नहीं करते, हम फर्दर क्या करते हैं, इसको पैलेट्स की फॉर्म में या प्रिल्स फॉर्म में लेके आते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो प्रीलिंग है। प्रीलिंग में क्या है, जो क्रिस्टलाइज्ड यूरिया हमें ऑब्टेन करते हैं उसको हम प्रिल्स की फॉर्म में या पैलेट्स की फॉर्म में लेके आते हैं। तो यूरिया जो हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो ग्रैनुलेटेड होना चाहिए। ग्रैनुलेटेड इसको हम किस तरह से बनाते हैं, हम इसको प्रीलिंग टावर में ग्रैनुलेटेड बनाते हैं। अब कंसनट्रेटेड यूरिया को क्या किया जाता है, प्रीलिंग टावर एक ऐसा टावर होता है जो कि हाई उसकी हाइट ज़्यादा होती है, उसमें कंसनट्रेटेड यूरिया को टॉप से फॉल कराया जाता है। जैसे फिर इसमें से हॉट ब्लास्ट एयर जो है उसको पास आउट किया जाता है, और ये हॉट ब्लास्ट एयर जो है काउंटर करंट प्रिंसिपल की बेसिस पे इसमें से पास आउट करवाई जाती है। और उसके नतीजे में हमारे पास जैसे ही कंसनट्रेटेड यूरिया बॉटम पे गिरता है तो वो प्रिल्स फॉर्म में या पैलेट्स फॉर्म में आ जाता है। वहाँ से इन पैलेट्स को पैकेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है या इसकी प्रॉपर पैकेजिंग कर दी जाती है। तो ये यहाँ तक इसका लास्ट स्टेप जो है यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का कंप्लीट हो जाता है। मींस जो यूरिया जो लिक्विड अमोनिया और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड थी उससे यूरिया को मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है, और एट दी एंड उसकी प्रॉपर पैकेजिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रिल्स पैलेट्स जो है वो कर दी जाती है, क्योंकि यूरिया फर्टिलाइज़र की फॉर्म ग्रैनुलेटेड फॉर्म में एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ होता है। तो यहाँ तक हमारी यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होती है, लेकिन अभी आपकी इंडस्ट्री यूरिया इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी फ्लोशीट डायग्राम को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम यूरिया के यूजेस को डिस्कस करेंगे और कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स को डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट लेक्चर तक ये यूरिया इंडस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ तक आज का आपका जो लेक्चर कंप्लीट होता है।